हेलो दोस्तों, होशियार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, अब तक बने हुए प्रधानमंत्रियों के नाम, उनका कार्यकाल, कौन से राजनीतिक दल से वो संबंधित थे और उनसे जुड़ी हुई टिप्पणी अर्थात उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें। चलो हम आते हैं टॉपिक पे, तो हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री। जैसे कि हमें पता है, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है जहां पर कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक औपचारिक और दूसरा वास्तविक। तो हमने देखा भारत के राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका के संवैधानिक औपचारिक प्रधान है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। कहा जाए तो राष्ट्रपति है वो तो राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री है वो भारत के शासनाध्यक्ष है। तो आज हम बात करेंगे अब तक के बने हुए प्रधानमंत्री एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, जिनसे हमें अब तक के बने हुए 15 प्रधानमंत्री, क्योंकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि एक ट्रिक्स बनाई है मैंने दोस्तों, जिससे हम तैयार कर सकते हैं इनको कंटिन्यूटी से, एक प्रकार से क्रम से हम देख सकते हैं। नेहरू की लाल इंदिरा, रण छेड़ दी चौधरी ने, इंदिरा के राजीव का प्रताप, चंद्र पर नर है अटल, देव इंद्र अटल अटल है मन का मन मोदी। कहने का लव, नेहरू की लाल कौन? इंदिरा, क्योंकि इंदिरा वो नेहरू की बेटी थी। रण छेड़ दी चौधरी ने, इंदिरा के राजीव का प्रताप, चंद्र पर नर अटल है, चंद्रमा पे हमने देखा मानव पहुंच चुका है तो चंद्र पर नर अटल है, देव इंदर अटल अटल है मन का मन है मोदी। तो हम देखते हैं वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब बात करते हैं हम भारत के अब तक के बने हुए प्रधानमंत्री, जिनमें हम देखेंगे ये जो क्रम लगा हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है लोकसभा का क्रम है, कि भी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में अर्थात 1952, 1957, 1962 तीन लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। वैसे इनका कार्यकाल मानो कि आजाद भारत से ही माना जाता है, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964, जो कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 को। वैसे देखा जाए तो लाल बेवेल ने, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था, और उस समय जो कार्यकारिणी गठित की थी उस कार्यकारिणी के अध्यक्ष तो लॉर्ड बेविल, जो उस समय भारत के वायसराय थे, और उपाध्यक्ष है वो नेहरू को चुना गया था। तो ये माना जाता है कि उसी समय से नेहरू है वो भारत के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। उसके बाद में इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 17 वर्ष तक, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, एकमात्र मनोनीत, क्योंकि अंतरिम सरकार में मान लो या आजाद भारत का मान लो उस समय वो मनोनीत हुए थे, और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये नियुक्त हुए थे अर्थात निर्वाचित हुए थे। प्रथम विदेश मंत्री, दोस्तों ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे। तो प्रथम विदेश मंत्री आप देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी, ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। उसके बाद में कार्यकाल मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था एक बार कार्यवाहक, और ये मानो एकमात्र कार्यवाहक है जो दो बार बने थे, क्योंकि नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो देखा जाता है कि उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तीसरी ही लोकसभा में, अर्थात चुनाव नहीं हुए थे उसी लोकसभा में, ये मानो संसदीय दल का नेता है वो लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया गया था, जो 1964 से 1966, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 1965 भारत पाक युद्ध के समय यही थे जिन्होंने जय जवान जय किसान, जय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कार्यकाल में मृत्यु हुई, जबकि
मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे जाने वाले ये भारत के पहले नागरिक थे। बहुत ही बढ़िया कि उसने धारणा 1966 में ही इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे और ये मानो कि भारत से बाहर मृत्यु होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे, जो कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो हुआ था सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच, तो कहते कि वहां से आते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया नारा दिया था जय जवान जय किसान। इन्हीं के समय हरित क्रांति आई थी और इसी नारे में जय विज्ञान वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था जय जवान जय विज्ञान जय किसान। उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा, फिर कार्यवाहक, तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों दो बार कार्यवाहक बनने वाले एकमात्र ये मानो प्रधानमंत्री है वो गुलजारी लाल नंदा है, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आज तक एक ही व्यक्ति बने हैं गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में हम देखेंगे चौथी और पांचवी लोकसभा में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उसके बाद में जो कि 1966 से लेकर के 77 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहली महिला, पहली नहीं दोस्तों एकमात्र अभी तक जो प्रधानमंत्री बनी है वो इंदिरा गांधी ही बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद में प्रथम राज्यसभा से बनने वाली प्रधानमंत्री, जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। तो माना जाता है कि इससे पहले बनने वाले जितने भी प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से संबंधित थे, जबकि इंदिरा गांधी को राज्यसभा की ओर से चुना गया था संसदीय दल का नेता लोकसभा में। एकमात्र लोकसभा का चुनाव हारी भी थी 1977 में, जब इन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था, उसके बाद में देश की जनता नाराज हो गई और उसके बाद में इन्हें ये मानो हार का मुंह भी देखना पड़ा। उसके बाद में पहली बार छठी लोकसभा 1977 में रणछोड़ मोरारजी देसाई अर्थात मोरारजी देसाई बने थे, जो कि 77 से लेके 79 तक जनता पार्टी सरकार के थे, ये धारणा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, इससे ऊपर बनने वाले सभी कांग्रेस दल से संबंधित थे जबकि ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। अविश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले ये पहले थे धारणा। बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मोरारजी देसाई और माना जाता है कि सबसे अधिक उम्र के भी मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद में उसी लोकसभा में छठी लोकसभा में ही चौधरी चरण सिंह, जो 79 से लेके 80 तक जनता पार्टी संबंधित थे, जो कि लोकसभा में एक भी दिन नहीं गई अर्थात लोकसभा का सामना नहीं किया। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत बार, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया या लोकसभा के अधिवेशन का सामना नहीं किया। उसके बाद में माना जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उसके बाद में सातवीं लोकसभा में वापस इंदिरा गांधी का आगाज होता है भारत में 1980 से 84 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है इनकी धारणा। तो वैसे देखा जाए तो हमारे तीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में हम देखेंगे जो कि लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद में इंदिरा गांधी, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई है। मात्र तीन ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई है। उसके बाद में आठवीं लोकसभा में राजीव गांधी 84 से और ये मानो कि 89 तक रहे थे, कांग्रेस आई से संबंधित थे अर्थात कांग्रेस पार्टी के ही थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं भारत के, सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करता भी यही थे, जिनको 415 सीटें प्राप्त हुई थी, जो कि आज तक का इतिहास है, किसी भी दल को इतनी सीटें लोकसभा में प्राप्त नहीं हुई। 415 सीटें प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जो अपनी माता की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद नवी लोकसभा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जिसको हम कह सकते हैं, 1989 से 90 तक जनता दल, वो जनता पार्टी है दोस्तों, ये जनता दल है जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, जो हमें लोकसभा में बहुमत चाहिए विश्वास मत चाहिए उसमें ये असफल हुए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और एक राजघराने से संबंधित थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण भी शुरू किया था मंडल आयोग की सिफारिश पर। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि नवी लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री। उसी लोकसभा में चंद्रशेखर, क्यों ज्यादा समय तक नहीं चल पाई उनकी सरकार, उसके आदमी आए चंद्रशेखर, 90 से 91 में जनता दल के ही थे, युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं ये धारणा, और माना जाता है कि इन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा नहीं फहराया, जैसे हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ उसके बाद में ये प्री पार्टी है कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं, लेकिन माना जाता है कि चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने लाल किले के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, ऐसा उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ।
उसके बाद में 10वीं लोकसभा में नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, 91 से लेकर 96 तक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित थे, आपराधिक मामलों लिप्त होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं अब तक, जो कि बिना मंत्री के प्रधानमंत्री बने। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि ये संसद के सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे जब बने थे, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह के आ चुके थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। 11वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी एक युग पुरुष के रूप में आगाज होता है, अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कि 1996 से मात्र 96 कहने वाले 13 दिन ही रही थे मात्र, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाती है, जो कि सबसे कम समय मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, और माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्योंकि वैसे मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी थे लेकिन उनका संबंध पहले कांग्रेस से था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कभी भी संबंध कांग्रेस से नहीं रहा है, तो इसलिए मात्र 13 दिन ही रहे थे, सबसे कम समय। सबसे ज्यादा समय हमने देखा जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है वो किन का रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा दोस्तों, और सबसे कम है वो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। उसके बाद में इसी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में ही चली जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ता है, त्याग पत्र। उसके बाद में एस डी देवगौड़ा 1996 से 97 कुछ समय ही रहते हैं, जनता दल की सरकार, ये मानो तीसरे मोर्चे की सरकार बनाते हैं, राज्यसभा के सदस्य थे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो आपने देखा था इंदिरा गांधी राज्यसभा की चुने, राज्यसभा से बनने वाली या चुने जाने वाली पहली प्रधानमंत्री, अगर पुरुष की बात आई तो एस डी देवगौड़ा होंगे जो कि राज्यसभा की ओर से बने थे। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है, जब इनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा रहा था संसदीय दल का नेता, उस समय भी ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और बाद में ये राज्यसभा के सदस्य बनकर के आते हैं। उसके बाद में आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 जनता दल की सरकार, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे, जिन्होंने गुजराल सिद्धांत भी दिया था, एच डी देवगौड़ा के समय ये भारत के विदेश मंत्री थे और पड़ोसी देशों से संबंध बनाने के लिए इन्होंने गुजराल सिद्धांत का भी निर्माण किया था, तो ये भी राज्यसभा की ओर से आए थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी वापस आते 98 से 99 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हैं, लेकिन वापस उनकी सरकार वो 13 महीनों के अंदर ही गिर जाती है, एक मत से हारने वाले दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक मत से हारने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, क्योंकि उनको ये मानो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वापस प्रधानमंत्री बने 1999 से 2004 भारतीय जनता पार्टी, जो कि तीसरी बार, तो कहने को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ 3 बार ली थी, और भारत के बहुत ही बड़े युग पुरुष कहो, उदारवादी नेता कहो, जिन्होंने गठबंधन की सरकारें बना करके भी ये मानो की 5 वर्ष सपनी सरकार को चलाया, जो कि उन्होंने देखा हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो उन्होंने शुरू की थी, बहुत ही बढ़िया कार्य किए थे भारतीय विकास के लिए उन्होंने। उसके बाद में 14वीं लोकसभा में आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2009 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस एक बार सरकार बनाने में ये मानो सफल होती है, प्रथम सिख प्रधानमंत्री, अब तक एकमात्र सिख समुदाय के प्रधानमंत्री यही बने हैं, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे 1982 में, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद में 15वीं लोकसभा में वापस मनमोहन सिंह को ही बहुमत मिलता है, जो कि कांग्रेस सरकार को 2009 से 14 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 14वें प्रधानमंत्री बने भारत के, असम राज्यसभा के सदस्य, अर्थात दोस्तों ध्यान में रखना है हमारे 4 राज्यसभा के सदस्य वो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। नेहरू और इंदिरा के बाद कार्यकाल पूरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शपथ ली थी, या तो नेहरू ने 5 वर्ष पूरे करने के बाद शपथ ली, या फिर इंदिरा गांधी ने 5 वर्ष पूरे करने के बाद शपथ ली थी, ये तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिख समुदाय के पहले थे दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, ये 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में 16वां नरेंद्र मोदी, 16वीं लोकसभा जो कि मई 2014 में गठित हुई थी, तो उस समय 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, जो कार्यरत है वर्तमान में, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार मानो, वैसे तो इन्होंने गठबंधन की सरकार ये मानो कि एनडीए की सरकार बना रखी है, लेकिन कहा जा सकता है कि पूर्ण बीजेपी की सरकार इन्होंने ही बनाई है, 282 सीटें प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी है वो सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आई। आजाद भारत में जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री है,
ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है। इनसे पहले बनने वाले जितने भी प्रधानमंत्री है उनका जन्म 1947 से पहले हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जन्म है वो बाद में हुआ है। धारणा आजाद भारत में जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री और इनकी माँ भी जीवित है, ये ध्यान रखना है। जो कि ऊपर जितने प्रधानमंत्री बने उन्होंने जब शपथ ली थी तो उनकी माँ ये मानो जीवित नहीं थी, लेकिन इनकी माँ अभी भी जीवित है। उसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये धारणा। गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद में ही ये प्रधानमंत्री पद पे आए थे, तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि अब तक 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं, और पद पे रहते हुए 2 ध्यान में रखना है, नरेंद्र मोदी और HD देवगौड़ा। तो ये थे हमारे सामने भारत के अब तक के बने हुए प्रधानमंत्री, जो कि मैं चाहूंगा आपको पसंद आए होंगे। इनके द्वारा हम तैयार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशनों के क्वेश्चन की कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके नाम, लोकसभा, उसके बाद में उनका कार्यकाल, उनके राजनीतिक दल, उसके बाद में उनकी टिप्पणियां, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं ये ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री, वैसे तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उप प्रधानमंत्री पद का, लेकिन बता देता हूं इसमें एक टिप्स के माध्यम से जो कि हम देख सकते हैं, पटेल की देसाई, चरण का जग, चौहान देवी की देवी का कर्षण, अब तक 8 ये मानो कि उप प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें हम देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वाईवी चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि हम देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई ने अपने मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रिपरिषद में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे, ये जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये दोनों मोरारजी देसाई के कार्यकाल में रहे थे। एक याद रखना है, प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के, और संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। ये सुविधा के अनुसार पद बनाया गया, जैसे कि हम देख सकते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना रखा है। तो ये थे भारत के उप प्रधानमंत्री, कई बार पूछ लिए जाते हैं कितने व्यक्ति बने हैं, कौन सा क्रम है, कितने बन चुके हैं, मोरारजी देसाई ने कितने बनाए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो कॉम्पिटिशनों में उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जबकि भारत के अब तक के बने हुए उप प्रधानमंत्री कौन हैं, कितने बने हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।